हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंक्रेडिबल गेमिंग यूट्यूब चैनल में। तो गाइस आज की वीडियो में अपन बात करने वाले मॉर्टल के बारे में। उन्होंने बूट कैंप से रिलेटेड अपडेट दिए हैं, रौनक के बारे में, रौनक ने मॉर्टल से बात करी है, स्काउट, घातक और भी बहुत सारे स्ट्रीमर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो गाइस अपनी पहली न्यूज आ रही है गाइस एक गुड न्यूज को लेकर। तो गाइस अब ऐसा लग रहा है कि जो अपनी इंडियन ई-स्पोर्ट्स है इसको भी बहुत जल्द रिकॉग्नाइजेशन मिलने वाला है, क्योंकि गाइस जो कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि जो उनकी अपकमिंग मीटिंग है उसके अंदर वो इंडियन ई-स्पोर्ट्स को लेकर बातचीत करने वाले हैं, उससे रिलेटेड मीटिंग में बातचीत होने वाली है। तो गाइस जब वो मीटिंग हो जाएगी उसके बाद ही हमको पता चलेगा कि उन्होंने इस चीज पे क्या डिसीजन लिया। अभी तक तो यही खुशखबरी है कि एटलीस्ट बातचीत तो होने वाली है। इसी फिर गाइस स्काउट उसके बाद स्टोरी डालते हैं और लिखते हैं कि थैंक यू फॉर कंसीडरिंग ई-स्पोर्ट्स इन इंडिया। अपने अगली न्यूज़ गाइस लोको को लेके। तो गाइस लोको पे सारे के सारे अपने फेवरेट स्ट्रीमर साथ में मिलकर स्ट्रीम करने वाले हैं। उन फेवरेट स्ट्रीमर में स्काउट, रेगल्टॉस, मांबा, केटिन और वाइपर्स। गाइस 11th ऑफ फरवरी को ये सारे के सारे लोको पे स्ट्रीम करते हुए देखने को मिलेंगे एक साथ। अगर आपको देखना तो आप जाके इनको चेकआउट कर लेना कल। अपनी अगली न्यूज़ आ रही है गाइस PMGL को लेके। तो गाइस जापान के अंदर 13 तारीख से गाइस सीजन 1 स्टार्ट होने वाला है पबजी मोबाइल का जापान लीग, और ये गाइस सबसे बड़ा टूर्नामेंट है जापान में अब तक का। अपनी अगली न्यूज़ गाइस इंडियन ऑर्गेनाइजेशन स्टेलवर्ड ईस्पोर्ट्स को लेके। तो गाइस स्टेलवर्ड ईस्पोर्ट्स ने पार्टनरशिप कर ली एक पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो कि है फ्लैक्स ईस्पोर्ट्स। अपनी अगली न्यूज़ आ रही है रौनक को लेके। तो गाइस रौनक से पूछा कि अभी आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो, तो रौनक ने बताया कि वो अभी ऑक्सीजन ईस्पोर्ट्स के अंदर है एज अ कंटेंट क्रिएटर। और जब उनसे पूछा गया कि पबजी मोबाइल आ जाएगा जब आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से लाइनअप बनाने वाले हो, तो रौनक ने बोला कि वो ऑक्सीजन ईस्पोर्ट्स से ही कॉम्पिटेटिव लाइनअप बनाने वाले हैं जब पबजी मोबाइल आ जाएगा। अपनी अगली न्यूज़ गाइस मॉडल को लेके। गाइस मॉडल ने अपडेट दिया बूट कैंप को लेके। तो गाइस मॉडल ने बोला कि सारा काम चालू हो गया है, अप्रॉक्स 1 महीने के अंदर ही अंदर सब वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। अपन को मॉडल और पूरा SA12 1 महीने के अंदर ही अंदर SA12 के न्यू बूट कैंप पे शिफ्ट होते हुए देखने को मिल जाएंगे। अपनी अगली न्यूज़ आ रही है गाइस 8BitBinks को लेके। तो गाइस 8BitBinks ने यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट डाला और उसमें उन्होंने ये लिखा कि जब उनके 100K सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे उनके चैनल पे तो वो एक चैरिटी स्ट्रीम करने वाले हैं, और ये चैरिटी स्ट्रीम वो पैट्स के लिए रखने वाले हैं कि 8BitBinks कितना चैरिटी जनरेट कर पाते हैं फॉर पैट्स। अपनी अगली न्यूज़ आ रही है गाइस मैक्सटन को लेके। तो गाइस मैक्सटन ने इंस्टाग्राम पे एक कार के साथ एक फोटो डाली और लिखा नेक्स्ट मंथ हैशटैग कमिंग सून, और गाइस उन्होंने ये भी मेंशन कर दिया कि जो उनकी अनाउंसमेंट है वो ये पबजी से रिलेटेड नहीं होने वाली है। पैट्स की मैक्सटन की तरफ से हमको क्या अनाउंसमेंट्स देखने को मिलती है। अपनी अगली न्यूज़ आ रही है गाइस रौनक को लेके। तो गाइस रौनक के चैट में रौनक को बोलते हैं कि आप मॉर्टल को सॉरी बोल दो। तो गाइस रौनक ने इस पे बोला कि उनके बीच में अब सब कुछ ठीक है, उनकी मॉर्टल से भी बातचीत होती है, और फिर उसके बाद उसी लाइव स्ट्रीम में वो मॉर्टल के डिस्कॉर्ड पे जाते हैं और उनसे वैलोरेंट खेलने के लिए पूछते हैं। तो सीन आप खुद ही देख लीजिए। रेबेल, हेलो हेलो, कौन? हेलो हेलो, अरे तुम लोग वैलो खेल रहे क्या? अरे नहीं रे। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, हाँ खेलेगा तो बता देना। ओके ओके टाटा। माय गॉड, रौनक का एंट्री हुआ था। अगली न्यूज़ गाइस घातक को लेके। तो गाइस घातक ने ट्विटर पे कुछ ट्वीट करते हुए ये लिखा कि आने वाले कुछ हफ्तों में इंडियन ईस्पोर्ट्स के लिए बहुत बहुत कुछ बढ़िया होने वाला है, और उन्होंने इंस्टाग्राम पे फिर एक पोस्ट डाला और इंस्टाग्राम पे उन्होंने ये लिखा कि उनको कुछ पता चला है बट वो अभी बताएंगे नहीं, क्योंकि अगर अभी बता दिया और फिर वो हुआ नहीं तो लोग उनको ही आके भला बुरा बोलेंगे, इसलिए वो बताएंगे नहीं। तो गाइस देखते हैं कि घातक की तरफ से अपन को कुछ लीक्स या हिंट्स देखने को मिलती है। जो भी कुछ घातक की तरफ से आएगा वो मैं आपको अपने चैनल पर सबसे पहले बता ही दूंगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपनी अगली न्यूज़ गाइस डायनामो को लेके। तो गाइस डायनामो स्ट्रीम पे बहुत ज़रा टॉक्सिक हो जाते हैं और बहुत ज़रा गुस्से में आ जाते हैं, तो डायनामो ने क्या कुछ बोलते हैं वो आप खुद ही देख लीजिए। भाई मेरे मस्त नंबर, तेरी माँ का बोलड़ा मादर छोड़ बहन के लौड़े। अरे आओ तेरी माँ की, तेरी माँ की दौड़ जो आ, तेरी माँ की, हाँ तेरी माँ छोड़ आ जा, आ जा, हाँ लौड़े आ जा। अरे भाई 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 दाना आए जा, अबे को लेके। तो गाइस 420 ने बताया कि जैसे उनके चैनल पे 100 के सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा गिव अवे आने वाला है, तो लेट्स सी कि वो गिव अवे क्या होता है। अपनी अगली न्यूज़ गाइस वो भी 420 को ही लेके। तो गाइस 420 ने बताया कि उनका पहला व्लॉग वो 14th of February को शूट करने वाले हैं, तो लेट्स सी कि वो व्लॉग अपन सभी को कब तक देखने को मिलता है। ये थी आज के लिए कुछ इंडियन गेमिंग कम्युनिटी न्यूज़। में उम्मीद करता हूं गाइस आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फॉर डेली गेमिंग न्यूज़ एंड अपडेट्स। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। टिल देन स्प्रेड पॉजिटिविटी।